एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। 16 सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक होंगे नियमित, मिलेगा वेतनमान 5200 का और मूल वेतन एवं ग्रेड पे में ग्रेड पे 1800 रुपया। 16 सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक का इतना हो जाएगा वेतन। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार सरकार बिहार के संविदा कर्मचारियों पर मेहरबान होने जा रही है। बिहार में शिक्षा स्वयं सेवक के रूप में सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी के साथ ही महिलाओं को भी साक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिहार की साक्षरता दर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नीतीश कुमार बिहार को भारत में साक्षरता दर में सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने 2025 तक बिहार की साक्षरता दर 100% करने की घोषणा की है। सूत्रों की हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक को नियमित करने का मन बना रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार टोला और शिक्षा स्वयं सेवक को वेतन मान देने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5200 का मूल वेतन और 1800 का ग्रेड पे देने पर सरकार फैसला ले सकती है। 5200 का मूल वेतन एवं 1800 ग्रेड पे के अनुसार लगभग 24000 वेतन होने की प्रबल संभावना है। नीतीश कुमार शुरू से ही टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवक पर मेहरबान रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसको पहले ही 60 साल की सेवा, ईपीएफ का लाभ, आकस्मिक अवकाश का लाभ, मृत आश्रितों को अनुकंपा एवं 4 लाख तक की अनुदान राशि देने की सुविधा की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।